अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वक्त हम जो चैप्टर फोर है उसमें सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन में एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, प्रोजेक्टाइल, उसकी बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं इससे पहले क्लास के अंदर ही, और सर्कुलर मोशन इस वक्त चल रहा है। तो सर्कुलर मोशन में इसमें हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन आ सर्कल रोटेट करता है ऐसे, ठीक है, अब इस सर्कल में जब रोटेशन इसकी परफॉर्म होती है तो उस वक्त इस ऑब्जेक्ट पे अगर किसी, मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी रस्सी से बांध के आप घुमाते हैं तो इसमें जब इसे घुमाएंगे तो एक फ़ोर्स एक्ट होगी जो सेंटर की तरफ होगी। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकली इस जो फोर्स का फॉर्मूला है वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है। अच्छा, अब इसी फोर्स के न्यूटन का सेकंड लॉ ये है कि जब किसी जगह पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो जब फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है तो फिर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी ज़रूर प्रोड्यूस होगा, जिसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर से प्रूफ करते हैं, प्रूफ किया जा सकता है, और हमने ये प्रूफ कर रखा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। दूसरी बात कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो इस जगह पर अगर हम इसे छोड़ दें, फ़र्ज़ करें कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है, और जब ये घूमते हुए इस जगह पहुंचता है इस जगह पर, तो इसका ये धागा टूट जाता है। तो क्या होगा कि ये मज़ीद सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर सकेगा, मज़ीद आगे सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा बल्कि स्ट्रेट लाइन में यहाँ मूव कर जाएगा। ये जो रास्ता होता है जिस पर ये मूव करता है इसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंशियल, अच्छा, ये जो लाइन किसी सर्कल को टच करते हुए गुजरती है इसे टेंजेंट कहते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते घुमाते आप छोड़ेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसे वी से जाहिर करते हैं, और ये आर ओमेगा के इक्वल होती है। ऐसे ही जब ये इस पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस लाइन पर उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ए टी, और ए टी इक्वल होता है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल होता है आर इंटू अल्फ़ा। ये भी हम प्रूव कर चुके थे। अच्छा, अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल वो हम देख लेते हैं अभी। इससे पहले थोड़ी सी बात और हो जाए कि अब तक हम जो जो बात जानते हैं वो ये कि ए सी इक्वल होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एफ सी इक्वल होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमें पता लग गया आर अल्फ़ा के इक्वल होता है। और ऐसे ही टेंजेंशियल वेलोसिटी का हमें पता चल गया कि ये आर ओमेगा के इक्वल होते हैं। ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है ऐसे, तो क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी में तो फ़र्क है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो उस पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। जब ये कंप्लीट रोटेशन करेगा यहाँ से यहाँ तक तो इसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो एक सर्कमफेरेंस के जितना होगा, और सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो इसलिए एस की जगह आ गया 2 पाई आर, ये वी, और जो टाइम लगता है कंप्लीट रोटेशन में उसे टाइम पीरियड कहा जाता है, तो ये टी आ जाएगा। अब मैं अगर चाहूँ कि लीनियर वेलोसिटी, यानी ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इसको लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, कि किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी मालूम करें तो हम इस जगह से भी मालूम कर सकते हैं। और ये जो टी है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे तो ये 2 पाई आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा टी डिवाइड, ये आ गया वी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। तो वी मालूम करने का एक तरीका ये हो सकता है। अच्छा, अब आए जरा न्यूमेरिकल पे। तो फिजिक्स की बुक में ये न्यूमेरिकल दे रखा है आपको कि अच्छा ये है एग्जांपल, और ये एग्जांपल है 4.7, और ये जो पेज है आपके पास ये 130 है आपकी बुक में, यहाँ देखें ये इस जगह पर। पहले इस न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ मैन हुज मास इज 80 ग्राम व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट इक्वेटर इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁶ मीटर 10⁶ मीटर। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में उन्होंने ये बात कही है कि फ़र्ज करें कि ये प्लैनेट अर्थ मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये ज़मीन है, ठीक। अच्छा, इस ज़मीन पर, अच्छा अगर मैं इसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाऊँगी, आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, इस पर अगर ये ज़मीन ऐसे हो गोल तो ये ऐसे घूम रही है,
ठीक है। अच्छा, अब ये घूम रही है ऐसे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में से पास हो रहा है, ये हमारी जो लाइन होती है इसे कहते हैं इक्वेटर। उर्दू में खते इस्तवा कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर वो लाइन है जो लेफ्ट टू राइट, ये ज़मीन को अगर हाफ कर दें तो बीच में से, ये फर्जी लाइन है, खिंची हुई नहीं है, हमने फ़र्ज़ किया कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये खिंची है। अब जब ज़मीन यूँ रोटेट करेगी ऐसे, ठीक है, और कोई आदमी इस जगह पर खड़ा हो ये, तो देखें जब ये ज़मीन घूमेगी ऐसे तो ये आदमी भी लामहाला घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ऐसे ये जो घूमेगा इस तरीके से, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहने लगे कि कैलकुलेट दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब पहली बात तो ये है कि ये मैं रखता हूँ आपके सामने, और अब देखते हैं, अब ये ज़मीन बन गई और ये इसका रेडियस हो गया। अच्छा, डेटा वाइज ज़मीन का रेडियस उसने क्वेश्चन में दे दिया है, और उन्होंने देखें ये यहाँ पे मेंशन किया है कि रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁶। तो आर आ गया मेरे पास 6.4 × 10⁶ मीटर्स। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये बात कही है कि ये शख्स ज़मीन के इक्वेटर पे खड़ा हुआ है। अब ज़मीन के इक्वेटर पे खड़े होने का मतलब ये कि ज़मीन का टाइम पीरियड हमें रखना पड़ेगा। ज़मीन एक चक्कर जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द लगाती है वो 24 आवर्स में होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ दी ज़मीन यानी टाइम पीरियड ऑफ दी अर्थ हो जाएगा 24 आवर्स। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 24 आवर्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टाइम कन्वर्ट होके आ जाएगा सेकेंड्स में। तो यहाँ हम लिख लेंगे सेकेंड्स में टाइम। तो ये जो अच्छा, ये कन्वर्जन जो है इन्होंने किया नहीं है सेकेंड्स, ये हम कहीं से देख के बाद में लिख देंगे, आप कैलकुलेटर से कर लीजिए। 24 को मल्टीप्लाई करें 60, 60 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास सेकंड्स में टाइम पीरियड आ जाएगा। ये किसका, प्लैनेट अर्थ का टाइम पीरियड आ जाएगा। अभी मैं आपसे ये बात करके गया हूँ कि वी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 2πr/T। अच्छा, ये हम चाहें तो इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या है, AC मालूम करें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द आदमी, और दूसरा मालूम करना सेंटीपिटल फोर्स mv² / r या mac, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। फोर्स क्योंकि ma होता है, और ma सेंटीपिटल फोर्स की बात होगी तो एक्सेलरेशन की जगह भी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अब सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो लीनियर वेलोसिटी मालूम कर लें। लीनियर वेलोसिटी के मालूम करने का फार्मूला क्या है कि हम चाहें तो पूरा लिख दें कि हम जानते हैं कि s = vt होता है, और फॉर कंप्लीट चक्कर रोटेशन s = 2πr और t = t, यानी एक पूरे चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है सर्कल पर वो 2πr के इक्वल होता है, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो इस दोनों चीज़ों को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो s की जगह तो आ जाएगा, सो वी गेट 2πr। इस जगह पर s की जगह मैंने इसकी ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वाली, और इस t की जगह फिर जाहिर है इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा v कैपिटल T आ जाएगा। और यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 2πr/T। अच्छा, अब ये देखें v निकालने के लिए क्या तरीका होगा, 2π की वैल्यू 3.14 होती है, r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ हमें ऊपर की मैंने ये, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये आएगा 6.4 × 10⁶ / ये t किसके इक्वल है, ये अभी हमने ऊपर लिखा है ना, यहाँ ज़मीन का जो टाइम पीरियड है 24 घंटे, 24 घंटे को ऐसे डिवाइड करना है हमने, तो ये आ जाएगा 24 × 60 × 60। इस पूरे को सॉल्व कर दें, और पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ सॉल्व हुआ हुआ इन्होंने रखा हुआ है, ये देखें ये पूरी वैल्यू इन्होंने रखी है, v = 2πr/T, ये सारी वैल्यूज इन्होंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लीजिए इसे, जब ये आंसर आ जाए तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई यहाँ से, और ये आती है 465 meters per second, ठीक है, ये तो v हो गया। अच्छा, AC किसके इक्वल होता है, v² / r। तो अब क्या करना है कि ये जो v आया है आपके पास 465, ये ऊपर रखना है, r वही वाला जो ऊपर दिया हुआ है हमें, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये कितना है 6.4 × 10⁶, तो इसको यहाँ रख देंगे इस जगह पर नीचे रेडियस की जगह, तो ये आएगा 6.4
10 की पावर 6, इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.37 10 की पावर माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर? अच्छा, अब ये एसी आ गया आपके पास। फोर्स इक्वल होती है एम ए सी। तो अब ये एम यहाँ पे गिवन है, अच्छा एम क्वेश्चन में गिवन था और वो इधर था, ये रहा, मैंने लिखा नहीं है। तो देखें, मास इस आदमी का दिया हुआ 80 kg, तो इसको डेटा में भी लिख दें और इसको लिखेंगे इस जगह पर, इस एम की जगह, तो ये आएगा 80। और ए सी कितना है, ए सी हमने ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, तो ये इस जगह पे रख दें और ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आता है 2.69 न्यूटन। तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा वाला प्रॉब्लम हमने क्लास में कर लिया हुआ है, तो इसे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।